भाई ने एक सवाल किया, देखिए कि क्या बच्चों के पास रुपया पैसा है, समझ लीजिए, तो एक लड़का अपनी बीवी को हज को ले जा रहा है जबकि उसकी माँ और बाप ने हज नहीं किया, तो क्या ये दुरुस्त है कि वालदेन से इजाज़त ले और ख़ुद हज को जा और माँ बाप हज ना करे? तो देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ हमको समझने की वो ये है, हज जिसके पास माल है उस पर फ़र्ज है। तो अगर बेटे के पास माल है तो हज बेटे पर फ़र्ज है, वालिद पर नहीं है, तो वालिद से तो पूछ ही नहीं। अब अगर बेटा अपनी इनकम वालिद को बोलेगा आप हज कर लो इसलिए कि आप मेरे वालिद है, आप चले जाओ, तो बेटा तो पकड़ में क़यामत के दिन, चूंकि अगर अगले साल नहीं कर पाया तो हज तो इस पर फ़र्ज था, वालिद पर नहीं था, चूंकि वालिद के पास फाइनेंशियल स्टेटस ही नहीं था, समझ लेना बात को। अब अगर बेटा और बहू है जिनका फाइनेंशियल स्टेटस इस लेवल का है कि हज कर सकते हैं लेकिन इतना नहीं है कि अपने वालदैन को भी हज करा सकते हैं, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो अपने वालदैन को बताकर चले जाए। जैसे कि मिसाल के तौर पर बेटी की, समझो बहू के पास, समझो 50 तोले जेवर है, सास के पास, उसकी वालदा के पास 5 तोले जेवर है, तो बहू पर 50 तोले जेवर पर ज़कात वाजिब है जबकि माँ पर 5 तोले जेवर पर ज़कात वाजिब नहीं, चूंकि वो 8.5 तोले ज़्यादा होना चाहिए ना। तो जाहिर सी बात है अगर बहू ज़कात दे तो सास ये नहीं बोल सकती कि तुम कैसे ज़कात दे रहे, मैं तो अभी कुछ भी नहीं दे रही, चूंकि बहू पे ज़कात वाजिब हो चुकी है, फ़र्ज हो चुकी है, समझे ना। तो अगर बेटा और बहू, उन पर हज वाजिब हो चुका है, फ़र्ज हो चुका है, और उनके इतने पैसे नहीं कि माँ बाप को करा सके, हालांकि कराना चाहिए, तो वो बेटा और बहू बिल्कुल हज को जा सकते वालदेन को बताकर उनकी इजाज़त से कि देखिए हम जा रहे हैं इसलिए कि हमारे इतना ही पैसा और हम पर वाजिब हो चुका है, इंशाल्लाह अल्लाह ने दिया तो अगली बार आपको कराएंगे। क्यों? तो अभी वाजिब इन पर है, वालदेन पर नफिल होगा, वो उन पर वाजिब नहीं है। हाँ, अगली बार अल्लाह ने ताकत दी, इस्तेदाद दी, सलाहियत दी, तो फिर वो बेटा अपने माँ बाप को भी कराएंगा। लेकिन बेटा कभी भी ये रिस्क ना ले कि खुद ना जाके वालदेन को कराए इस वजह से कि वालदेन ने नहीं किया, और हालांकि वाजिब इस पर हज है, अगर ये अगले साल ना जा पाए किसी वजह से, जिंदगी नहीं रही अगले साल, कुछ हो गया सेहत को, तो क्या करेगा? बाप पे तो वैसे ही वाजिब नहीं था, वो तो नफिल करके आ गया, चलो ठीक है, हो गया उसके लिए, हज तो हो गया उसका, लेकिन बेटा जिस पर फर्ज था जिंदगी भर पछतावा रहेगा कि मुझ पर फर्ज था और मैं नहीं करके वालदेन को करा दिया। तो इस मामले में वालदेन को बताया जाएगा कि हम पर फर्ज हो रहा है लिहाजा हमें जाना पड़ेगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम और कमाएंगे तो आपको भी कराएंगे, ठीक है। लेकिन चूंकि ये फर्जियत का मसला है, ये ऐसा नहीं है कि खाना घर में है, माँ बाप खाए या बेटा और बहू खाए, तो फिर कहूँगा मैं माँ बाप पहले खाना खाए फिर बच जाए तो बेटा और बहू खाए, क्यों, समझ लेना बात को। इसलिए कि जब मामला दुनिया भी किसी चीज़ का आएगा तो हम तरजीहात चूंकि उन हम वालदेन को देंगे कि वालदेन पहले खाए फिर मैं खाऊँ, लेकिन मसला यहाँ वालदेन के खाने पीने का नहीं ना, मसला यहाँ है कि फ़र्ज हज इस पर हुआ और हम बोल रहे पहले इनको कराएंगे, मतलब ज़कात फ़र्ज बेटे पे है और बेटा बोल रहा बाप के नाम से मैं सदका दूंगा, हालांकि बेटे पे ज़कात फ़र्ज है ना देने की वजह से ख़यामतीन पकड़ होंगी, जबकि बाप के नाम से जो सदका करेगा वो सदका नफली इबादत है, ये बाद में भी हो सकती है। तो लिहाजा बेटा और बहू पहले कर लें, उसके बाद फिर अपने वालदेन को भी करा, अल्लाह ताकत इस्ताद देता है तो। लेकिन ऐसा कभी गलती से ना हो कि माँ बाप ने नहीं किया मैं कैसा करूँ, हालांकि मेरे पे वाजिब है, और इस चक्कर में आखिरत में हमारी गिरफ्त हो जाए, माँ बाप तो बच जाएंगे ना, उन पर तो वाजिब नहीं था कि भाई तुमने क्यों नहीं किए और हमसे पूछेंगे, तो लिहाजा ऐसे हालत में बेटा और बहू चले जाए, या और भी कुछ हो सकता है इसके अलावा, उल्टा भी हो सकता है कि बाप सिर्फ अकेला जा चुके उस पर उसके पास पैसा आ गया लेकिन बीवी के लिए नहीं आया, शौहर के पास आ गया बीवी के लिए इतना नहीं और बीवी पे वाजिब भी नहीं, डिपेंड हो सकता है, तो लिहाजा वो चले जाए। तो जिस पे हज जब वाजिब हो जाए वो उसको पहले कर ले, इंतज़ार ना करे बीवी का, बच्चों का, माँ बाप का, फिर जिस पे जो हो, हाँ आप नफली तौर से फिर और कमाएं, एक दो साल में और पैसा जमा करें, अपने वालदेन को भी करा, लेकिन अभी रिस्क मत लीजिए, पहले खुद कर लीजिए चूंकि आप पर हज वाजिब हो चुका है।